हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल कल यानी कि 26 सितंबर 2024 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हैं तो वो स्टॉक में अच्छी रैली आ सकती है। तो उससे पहले गाइस, कल का जो ट्रेड दिया था उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है। लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो कल का पहला स्टॉक था अपना औरोबिंदो फार्मा, जो 1511 के ऊपर बाय बोला था, 1526-27 चल रहा है तो रनिंग है। एस्ट्रल देखोगे तो 2029 पे मैंने लिखा है, कल का क्लोजिंग था 2009 और आज का ओपनिंग था 2032। लेकिन अपना रूल्स क्या है, जो भी क्लोजिंग प्राइस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1% गैप अप ओपन होता है तब तक अपने बाइंग करेंगे। अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे और वो रेंज में आने का वहाँ पे बाय करेंगे। तो स्टॉक 2032 के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद गिर के 2000 तक भी आया था, इसीलिए अपना 2029 पे बाइंग हो गया। कैसे अपने 2029 का लेवल निकाला, 2009 का कल का क्लोजिंग था प्लस 1%, कितना होता है 2029 के आसपास होता है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, बाइंग हो गया और 2025 के आसपास अभी चल रहा है। उसके बाद अपना स्टॉक था BEL जो 294 के आसपास वो भी गैप अप ओपन हुआ था। अच्छा स्टॉक है, आराम से एक दो महीना होल्ड करके रखोगे तो 350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 290 के आसपास चल रहा है। एशियन पेंट इनवेलिड था क्योंकि ऊपर नहीं गया और स्टॉप लॉस लेवल के नीचे आ गया था। तो ये अपने कल का परफॉर्मेंस हो गया। अभी अपने चलेंगे कल यानी कि 26 तारीख का जो ट्रेड है उसका देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हो गया SBI कार्ड। SBI कार्ड में क्या हो सकता है देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो SBI कार्ड। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, सिंपल सा एनालिसिस है। आपको याद होगा गाइज, SBI कार्ड अपने मल्टीबैगर स्टॉक में भी दिया हुआ है। आराम से 1100-1200 के टारगेट तो आने वाले हैं 3 से 12 महीने में। लेकिन अभी के लिए अपने स्विंग ट्रेड के लिए अलग लेवल आते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। पर्सनली भी मैं SBI कार्ड होल्ड करता हूँ, यहाँ पे 790 के लेवल से करीब होल्ड करता हूँ, क्योंकि जैसे ही ट्रेड दिया था मल्टीबैगर में उसी मंडे को मैंने बाय किया था स्टॉक को। तो SBI कार्ड में यहाँ से करेक्शन आया, फिर से यहाँ पे नीचे आया और ब्रेकआउट देके ऊपर गया, रिटेस्ट करने नीचे आया। यहाँ से ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इसको ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट एरिया भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। और तीसरा है बाय ऑन डिप विथ ADX। ADX की वैल्यू देखो कितनी है, 25 के ऊपर है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आई है। तो ये सेटअप अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है। तो अपने को यहाँ पे ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ से स्टॉक में ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी 772 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो 782 के ऊपर पोजीशन बनानी है। 766 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 830 का लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, कब 782 के ऊपर पहले जाएगा तो। आपको मैं ऑलवेज दो लेवल देता हूँ, 782 दे दिया और नीचे की साइड 766। स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए और नीचे का लेवल पहले ब्रेक डाउन करता है तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। दोनों के बीच में ओपन होके ऊपर जाता है तो अपना कॉल एक्टिव हो जाएगा। तो अपना पहला कॉल हो गया SBI कार्ड, जिसमें अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजिशन बना सकते हो। दूसरा स्टॉक है क्विक हिल। क्विक हिल में क्या हो सकता है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन एरिया है, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे और उसके बाद आप रिटेस्ट कैंडल बोलोगे, और रिटेस्ट कैंडल से यहाँ पे ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, डिमांड जोन का भी सपोर्ट आ रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो भी यहाँ पे देखोगे तो आज स्टॉक ने क्या किया है, डोजी जैसा कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डोजी जैसा कैंडल, और यहाँ पे ADX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, अभी भी देखो ग्रीन लाइन ऊपर ही है, अभी भी क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ से हाई चांस है कि स्टॉक में कल तगड़ा वाला रिवर्सल आ सकता है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आपको करना क्या है, वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद ही पोजीशन बनानी है, अभी सीधा जाके पोजीशन नहीं बनानी। 644 के आसपास है तो अभी कुछ नहीं करना, 650-680 के ऊपर पहले जाता है तो अभी पोजीशन बनानी है। 636 का स्टॉप लॉस लगाना है, 690 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास है, रिवर्सल एरिया के आसपास है, तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो गाइज ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक क्विकिल। अभी गाइज मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्री। लक्स इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो आज से एक दो महीने पहले ट्रेड अपने लाइव मार्केट में भी एनालिसिस किया था टेक्सटाइल सेक्टर में, तो वहाँ पे 2025 के आसपास बाइंग बोला था। यहाँ पे वो लेवल नहीं था, करीब इसके आसपास का ही बाइंग हुआ था अपना। उसके बाद स्टॉक अच्छा ऊपर गया लेकिन
फाइनली कंसोलिडेशन करके अभी यहाँ पे क्लोज ट्रेड दे रहा है। पर्सनली मैं भी इसको होल्ड कर रहा हूँ 2025 के लेवल से। लक्स इंडस्ट्री डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखो, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपको 3800 के लेवल तो इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो लेवल दूंगा वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से दूंगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपने समझो कि यहाँ पे एंट्री ले ली, कहाँ पे एंट्री ले ली, 2225 के ऊपर एंट्री ले ली और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, तो आपको 3800 के लेवल तक होल्ड करके रख सकते हो, यानी कि आपका रिस्क यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अगर आपको एंट्री लेनी है, समझो कि लक्स इंडस्ट्री आपसे मिस हो गया है, तो यहाँ पे छोटा एंट्री है, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकते हो। स्टॉक को 2225 के ऊपर जाता है तो एंट्री लेनी है, और उसके बाद 2500 के तो टारगेट है, लेकिन आपको उसके बाद भी होल्ड रखना है 6-12 महीने के लिए, 3800 के टारगेट के लिए तो भी रख सकते हो। रिस्क आपका तब छोटा हो जाएगा यहाँ पे 2115 के आसपास, तो यहाँ पे आपके छोटे से रिस्क में आपको इन्वेस्टमेंट पीक भी मिल सकता है। तो अभी करना क्या है, 1 वीक आपको रखना पड़ेगा, 2500 के लेवल स्टॉक दिखा सकते हैं, वेट एंड वॉच करना है, अभी तुरंत बाय नहीं करना है। 2140 के आसपास क्लोजिंग है, तो 2225 के ऊपर बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डिमांड भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। अभी गाइज मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा, जिसका नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हैमर जैसा कैंडल बनाया। यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट आ रहा है, दूसरी बार सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो 5 दिन से स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास क्लोज दे के ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ ये कैंडल को आप बोल सकते हो हैमर जैसे कैंडल बना रहा है, और यहाँ पे उसका मल्टीपल सपोर्ट भी आ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हैमर जैसा कैंडल भी बना रहा है और डिमांड जोन भी वहाँ पे है। तो अभी 1063 के आसपास कुछ नहीं करना, 1068 के ऊपर जाता है तो पोजीशन बनानी है, 1037 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1120 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, तो वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद पोजीशन बनानी है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक दिए, चारों स्टॉक आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला स्टॉक है SBI कार्ड, कंडीशनल बाइंग करनी है, क्विकिल में भी कंडीशनल बाइंग करनी है, लक्स इंडस्ट्री में भी कंडीशनल बाइंग करनी है, और जाइडस लाइफ में भी कंडीशनल बाइंग करनी है। कंडीशनल बाइंग गाइज इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पे डेली चार्ट में सपोर्ट लेवल के आसपास है, अगर आप तुरंत यहाँ पे बाय कर दोगे और 2 दिन में स्टॉक नीचे चला गया तो आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा कोई भी स्टॉक नीचे गिरता है उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, कभी कभी क्या करता है वो यहाँ पे बेस बनाता है और फाइनली फिर से नीचे चला जाता है, इसलिए रिवर्सल का वेट करना है, कन्फर्मेशन मिले उसके बाद ही आप कॉल एक्टिव होगा, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा वेट एंड वॉच करना, उसके बाद ही एंट्री करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।